तो आज है सावन का पहला सोमवार और मैं ऑलमोस्ट तैयार हो गई हूँ जाने के लिए मंदिर। हो गया है 11:30 क्योंकि जो है 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है और मैं उठी हूँ थोड़ा सा आज लेट से। और ये साड़ी मुझे आया था वहाँ से क्या बोलते हैं ससुराल से सबनपुरिया में। तो ये ग्रीन वाला साड़ी है तो इसको मैंने इसलिए नहीं पहना क्योंकि इसका ना तो ब्लाउज सिला हुआ है और फिर ये ट्रांसपेरेंट साड़ी है तो इसमें आप दूसरा जो है साड़ी सेवियर भी आप दूसरा कलर का यूज़ नहीं कर सकते हो। तो मैंने यही पहना क्योंकि इसमें ग्रीन भी है और येलो भी है तो सावन के अकॉर्डिंग ग्रीन है और भगवान जी के अकॉर्डिंग येलो साड़ी बहुत शुभ माना जाता है, येलो या रेड। तो मैंने यही पहन लिया, बाकी आप देख लेना कि मैं कैसी लग रही हूँ पूजा करते हुए। और ये यहाँ पे गुस्सा के फायर है, बोल रहे हैं कि 1 घंटे से तैयार होती है, बट 1 घंटे से तैयार नहीं हुई यार, बस 10 मिनट मुझे लगा तैयार होने में। और जैसे तैसे चले जाएंगे तो फिर यही गुस्सा आते हैं कि जैसे तैसे चली गई है। मैं ट्राउज़र टी शर्ट में उठ के चली जाती हूँ तो बहुत चिल्लाते हैं वहीं से, बोल रहे हैं कि हाँ जैसे तैसे ही पहनी हो, ठीक से तो पहनने आता नहीं है। किसका है?
गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज है सावन का पहला सोमवारी और मैं आई हूँ दादा मोटा मंदिर पूजा करने के लिए। पूजा हमारी हो गई है बहुत अच्छे से और देखो जैसे ही मेरी पूजा खत्म हुई भगवान जो है शिव शंकर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं बारिश के थ्रू। बारिश होने लगी है हल्का हल्का और अभी हम लोग जा रहे हैं और ये है मेरे पतिदेव, ये उनको तो आप जानते ही होंगे। जब भी मैं इनको अच्छा कपड़ा पहनने बोलती हूँ तो पता नहीं क्या है, इनका ये फेवरेट टी शर्ट है उठा के पहन लेंगे। तो अभी वहाँ पे संदीप खड़े हैं क्योंकि जो पूजा का हमने सामान लिया था वो आंटी के पास से लिया था और पेमेंट नहीं किया था, तो मैंने बोला था कि जब पूजा हमारी हो जाएगी उसके बाद हम पेमेंट करेंगे। वो वहाँ पे पेमेंट कर रहे और इस मंदिर में मैं आई थी, दादा मोटा मंदिर जो भरथल में है। यहाँ पे शिव शंभू का बहुत बड़ा शिवलिंग है जो आज तक मैंने सबसे लंबा देखा है अपने लाइफ में, सबसे लंबा शिव शंभू का शिवलिंग यहीं पर मैंने देखा है। और देखो मैं खड़ी हूँ, मैंने पूजा कर ली है ऑलरेडी, पता नहीं क्या निकाल रहे हैं। मैंने ठीक ठाक सारी पहन लिया है जैसे तैसे। हमारी जो है सवारी हो गई तैयार घर जाने के लिए और बीच में भी हमें एक पेमेंट करना है वो आंटी के पास। वो आंटी के पास कैसे करती है? एक और जिनसे दूध ले, दूध दही ले थे।